नागपुर की प्रसिद्ध आईटी कंपनी वीआईपीएल का गणेशोत्सव वीआईपीएल का राजा नाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई सेलिब्रिटीज का आगमन यहां हो रहा है, साथ ही सिंगिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है जिसमें नागपुर का टैलेंट ढूंढने का प्रयास किया जाने वाला है। वीआईपीएल का गणेशोत्सव वीआईपीएल का राजा नाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई सेलिब्रिटीज का आगमन यहां हो रहा है, साथ ही सिंगिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है जिसमें नागपुर का टैलेंट ढूंढने का प्रयास किया जाने वाला है। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर कॉमेडियन एहसान कुरैशी, सिंगर शनमुख प्रिया, कॉमेडियन राजा रेंचो भी उपस्थित रहे। एक आईटी इंडस्ट्री मध्ये कोविड नंतर एक सगळ्यात मोठा हे झालं की वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट आला, आणि वर्क फ्रॉम होममध्ये काय झालं की माणूस 24 तास घरी राहूनही कामच करतं, तर त्याच्यामुळे एक आपण जोपर्यंत बाहेर निघत नाही, आपण जोपर्यंत लोकांशी भेटत नाही, लोकांशी बोलत नाही, तोपर्यंत एक जो एकमेकाला भेटून एकमेकांविषयी आपला आदर किंवा आपला आनंद जो आपण एकमेकाशी शेअर करतो त्याची मजा काही और आहे। ह्याच संकल्पनेतून आम्ही हे सगळे प्रोग्राम आणि गणेशोत्सव एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करतो आहे की प्रत्येक व्यक्तीने इथे यावं, काहीतरी पार्टिसिपेट करावं, काहीतरी परफॉर्मन्स करावा किंवा इथे होणाऱ्या वेगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा, हीच संकल्पना होती की आयटीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांनी वर्क फ्रॉम होम कन्सेप्ट असताना सुद्धा आता आपण घरातून बाहेर निघून बाहेरच्या जगात काय होतं आहे आणि त्याचा आनंद काही एक वेगळाच असतो, याच्यासाठी आम्ही हे गणेशोत्सवाची सुरुवात केली आहे। नमस्ते सभी को, गणपत बप्पा मोरिया। ओके, सो यस, इंडियन आइडल का नया सीजन शुरू हो रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसे अभी हमारा जो आइडल हुआ है वो आई थिंक सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इट्स लाइक अ ड्रीम कम थ्रू वाले मोमेंट है। जो भी जितने भी सिंगर्स हैं उन सबको, मतलब जो सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी लोगों का आइडल एक ऐसा मंच है जो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाले मोमेंट है। सो अभी वापस वो शुरू हो रहा है और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड ऑल माय बेस्ट विशेस। हाँ, सो अभी मैं वीआईपीएल से राजा का एक गणेश फेस्टिवल के लिए आई हूँ और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मेरा इवेंट कल है बट मैं एक दिन के पहले आई हूँ क्योंकि रिहर्सल सब कुछ तैयारी के लिए मैं आई हूँ आज। और नागपुर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे मुझे ये सुनने को मिला कि यहाँ पे बर्फ़ी बहुत फेमस है एंड ऑरेंजेस एज वेल। सो मैं आज या कल मैं तो ट्राई करना चाहती हूँ डेफिनेटली। अभी कुछ लोग ऐसे थे कि अगर ये क्या दो गाने अगर सीख लेंगे तो दे विल बी लाइक हाँ आई एम अ सिंगर, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। क्योंकि सभी को एक बेसिक से शुरू करना चाहिए म्यूज़िक को, एकदम अच्छे से एक अच्छे टीचर के से हमको सीखना है, दैट्स व्हेन यू गोना हैव अ लॉन्ग लास्टिंग करियर। सो सभी को मेरा यही है कि एकदम हार्डवर्क से एंड ऑल्सो बेसिक पूरा शुरू से आप म्यूजिक सीखिए एंड देन जस्ट एंटरटेन एवरीबॉडी। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।